हेलो दोस्तों, मैं विश्राम मीना आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हो कि हर चीज़ की एक उम्र सीमा होती है, उसी तरह डीजल या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की भी एक उम्र सीमा होती है। लोकोमोटिव की उम्र सीमा पूरी होने पर इनको रेलवे से आउट ऑफ ट्रैक कर दिया जाता है। आमतौर पर रेलवे डीजल या इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव की उम्र की बात की जाए तो इनकी उम्र सीमा 33 साल से लेकर 38 साल के बीच तक होती है। जिस तरह हम अपनी कार, मोटर गाड़ी या अन्य की समय समय पर उसके मेंटेनेंस का विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह इस 33 से 38 साल के पीरियड में डीजल या इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का अच्छी तरह से मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये सेफ्टी से संबंधित काम है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जिनकी समय समय पर मेंटेनेंस होना अति आवश्यक है। अधिकतर सामान जो होते हैं, ये जो डेड पावर रहता है उनमें अधिकतर सामान को तो स्केप में बेच दिया जाता है, परंतु यदि डीजल या इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव की बोगी फ्रेम सही रहता है तो उसको रिसाइकल करके इलेक्ट्रिकल इंजन का फ्रेम बना दिया जाता है। लोकोमोटिव की उम्र सीमा पूरी होने पर इनको इनके सही कंपोनेंट को निकाल लिया जाता है और शेष बचे सामान को स्केप के माध्यम से सरकार द्वारा रेलवे कानूनी आधार पर बेच दिया जाता है। यदि इसकी बोगी चलने योग्य होती है तो इसको रिसाइकल करके अन्य बोगी फ्रेम बना दिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आपका कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करना।